संत संप्रदाय पढ़ रहे थे, ये संत संप्रदाय का लास्ट एंड फाइनल फुल्ली फाइनल पूरे हम लोगों ने कवर कर लिया, कुछ को छोड़ा ठीक है। लेकिन मेन मेन जो मैंने बताया था शुरुआत के उनका ध्यान रख लेना, एक इसमें मीरा का ध्यान रख लेना, ये बहुत है। तो संत संप्रदाय के अंदर मैंने शुरू में बताया संत संप्रदाय क्या होते हैं, क्यों संत संप्रदाय हमें बनाने पड़े, सारी बातें हम लोग कर चुके। अगर कोई भाई सीधा ये पाठ देख रहा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर के शुरू से देखना, तब समझ आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ, वहाँ से जाकर चेक कर लेना। देखो अब तक आदमी आदमी आ रहे थे, अब कोई औरत आई है पहली बार, ठीक। ठीक है, मीरा जिसका नाम है भगवान कृष्ण की जो दीवानी है, अब उस मीरा का हम जिक्र करते हैं। देखो पहले तो मीरा के कई उपनाम दिए गए उनको। पहला जो उपनाम इन्हें कहा जाता है राजस्थान की राधा, BSTC 2018 राजस्थान की राजा किसे कहा जाता है, ठीक। पेमल ये इनके बचपन का नाम था, कोई बड़ी बात कौन। आगे देखो मरु मंदाकिनी, ठीक है, तो ये तीन नाम है, तीनों तीनों आपको ध्यान होनी चाहिए। देखिए इनके जन्म को लेकर के कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन हम दोनों ही सही मानेंगे। जैसे अर्धिक आदि युद्ध की डेट आती है तो 18 जून भी सही मानते हैं और 21 जून भी सही मानते हैं, तो इनके जन्म में भी यही है कि 1498 1504 है, हम दोनों ही मान लेते हैं, जो आएगा वो कर देंगे, ठीक है। और इनको जन्म को स्थान को लेकर के भी संदेह है तो वो भी दो मानते हैं, बांजोली और कुड़की, दोनों ही कहाँ है, नागौर के अंदर हैं। कुछ कहते हैं भाई बांजोली में पैदा हुई थी और कुड़की में क्या हुआ था, कुड़की में बाद में इनका पालन पोषण हुआ था। कुछ कहते हैं भाई कुड़की में पैदा थी, बांजोली में पालन पोषण हुआ था, तो हम तो दोनों ही मान लेते हैं अपने कहे जा रहे, ठीक है। रतन सिंह इनके पिताजी थे और राव जो दूधा हैं वो उनके दादाजी हैं। राव दूधा का नाम हमें इस वजह से लेना पड़ा है क्योंकि मीरा की जिंदगी पर जो प्रभाव है, जितना भी प्रभाव था वो सब राव दूधा जी का था। ये राव दूधा जी कृष्ण के भगत थे और ये वृंदावन गए थे, तो वृंदावन जाते समय कृष्ण की एक मूर्ति ले आए और मीरा को दे दी। तो मीरा क्या है, उस मूर्ति को अपने साथ रखती और मीरा उस मूर्ति से क्या करने लग गई, प्रेम करने लग गई धीरे धीरे। अब इंसान प्रेम किसी भी चीज़ से कर सकता है, कोई घोड़े से भी कर सकता है, कोई भैंस से कर ले, प्रेम होता है वो कुत्तों से, कहीं कुत्ता से कर लीजिए, कुत्तों से प्रेम कर लेते हैं, कोई लड़की से कर लीजिए। तो ये सब प्रेम के क्या हैं, अलग अलग रूप हैं। इंसान किसी चीज़ से प्रेम करता है, कोई मूर्ति से कर ले जाए टूट जाए दुख हो जाए, कोई ट्रैक्टर से कर ले जाए कि बके ने भाई। तो ये क्या होता है, प्रेम के अलग अलग रूप होते हैं, प्रेम ट्रांसलेशन जिनको कहते हैं, ठीक है। तो मीरा किससे हुआ था, मीरा को मूर्ति से प्रेम हुआ था। और एक बार इनकी दादी थी तो उन्होंने कह दी भाई ये कौन, दादी से पूछा, दादी ने कह दी ये कौन है, ये तो तेरे पति हैं। तो मीरा जब से भगवान कृष्ण को अपना क्या मानने लग गई, पति मानने लग गई। और लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1516 में मीरा की जो शादी है वो भोजराज जी से हो गई। ये वही भोजराज है, राणा सांगा के पुत्र हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब मीरा जन्म थोड़ी समझदार हुई तो मीरा ने अपना पहला गुरु बनाया चंपा जी को, ये प्रथम गुरु थे मीरा के। सेकंड जो गुरु बनाया था वो गजाधर गुजर थे, गॉड इनको बनाया था, ये इनके धार्मिक गुरु थे, इनको धर्म के बारे में बताते थे, धर्म क्या है, आपको क्या नहीं छोड़ना है, ये धार्मिक गुरु थे। और लास्ट एंड फाइनल जिसको गुरु बनाया था वो तो आप जानते हो रैदास जी, को नहीं जानते सब रैदास जी को जानते हैं, तो इनका ध्यान रखना। जिस दिन रैदास जी ऑप्शन नौ इनमें कोई हो तो ठोक देना। अब क्या हुआ, भोजराज जी के साथ इनकी शादी हो गई, लेकिन भोजराज जी के बाद में क्योंकि मृत्यु, कुछ कहते हैं कि 1517 खातुली युद्ध में हुआ और नरसिंह जो खातिरो जो है जो किसने लिखा है मीरा जी ने, तो वो कहता है भाई 1523 में हुई थी और कुछ कहते हैं भाई खानवा युद्ध में हुई थी। आप अपने हिसाब से मान लेना, तीनों सही है, जो आपको सही लगे एग्जाम में जो आए वो आप मान लेना। मीरा प्रेम करती थी भगवान कृष्ण से, भगवान मिल नहीं रहे थे, तो बात हम बताते हैं, कुछ कहते हैं कि भाई विक्रमादित्य परेशान करता था, कुछ कहते हैं परेशान नहीं करता था। तो मीरा अंत में तंग आ करके वृंदावन चली गई। वृंदावन गई तो किसी ने कहा कि भगवान कृष्ण तो वृंदावन में नहीं रहते, वृंदावन तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था, कि फिर बाद में मथुरा चले गए थे। तो फिर मथुरा गई, मथुरा में नहीं मिले, मथुरा वालों ने कहा कि यहाँ कृष्ण थोड़ी रहते हैं, उन्होंने मथुरा छोड़ दिया था लास्ट टाइम में, तो गुजरात चले गए थे, वो तो द्वारिका में रहने लग गए थे। तो फिर द्वारिका चली गई,
बाद में सत्ता है पलटी महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह आ गए कि भाई मीरा को घेर लो। मीरा को घेरने के लिए लोग गए बाहर से, तो रणछोड़ मंदिर है गुजरात के अंदर, तो मीरा वहाँ बैठी हुई थी, तो सैनिक गया कि महारानी जी वापस चलो, अब सब कुछ ठीक हो गया है, आपको महाराज ने महारानी जी ने बुलाया है, तो उनके भाई मैं अपने कि अपने घर चलो। तो मीरा ने कहा कि मैं अपने घर ही जा रही हूँ, चिंता मत करो, आप बस 5 मिनट इंतज़ार करो। तो बताते हैं कि सैनिक 5-7 मिनट रुक गया, बाहर इंतज़ार कर रहे थे, तो मीरा अंदर गई और भगवान कृष्ण की मूर्ति थी उस मूर्ति के अंदर समा गई। कैसे पता चला मूर्ति के अंदर समा गई, कहीं बैठे कौन समाई, तो ऐसे पता चला कि भगवान कृष्ण का जो मुँह था उसके अंदर इतना पल्लू बाहर निकल रहा था। आज भी अगर आप गुजरात के रणछोड़ मंदिर में जाओगे तो वहाँ आपको भगवान कृष्ण के मुँह से इतना पल्लू बाहर मिलेगा, अभी भी है वो, जाकर चेक कर सकते हो आप, है ना। तो रणछोड़ मंदिर में क्या हो गई, वो विलीन हो गई। और जब इंसान मरता है तो इंसान की भाई आत्मा ही तो परमात्मा से मिलते, शरीर तो यहीं रह जाते हैं। मीरा एकमात्र ऐसी है जिसका शरीर भी नहीं बचा, शरीर ही भगवान ने अपने अंदर संभाल लिया। मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की थी, और मीरा भगवान कृष्ण की किस रूप में पूजा करती थी, गिरधरधारी, ठीक है। तो ये और मीरा ने एक संप्रदाय नहीं चला, लेकिन बाद में इनके जो अनुयायी थे, जो इनके फॉलोअर्स थे, जो सब्सक्राइबर थे, उन्होंने इनका एक संप्रदाय चला दिया जिसका नाम है दासी संप्रदाय। और इस संप्रदाय के अनुसार क्या होता है, अगर आपको भगवान कृष्ण को पाना है तो ये भगवान कृष्ण क्या थी, इन्होंने कहा कि भगवान मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ, भले ही आप मुझे अपनी पत्नी माने या ना माने, और मुझे पता है मान भी नहीं सकते क्योंकि आप कहें तो ऑलरेडी ऑप्शन है भाई, रुक्मणी है तो सही, मुझे थोड़ी मानोगे, लेकिन मैं मान चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे अपनी दासी बना लो, ठीक है, आगे जुगाड़ बैठ जा देख लें। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई देख लो आपके हिसाब, तो इन्होंने दासी मानी, तो इनका बाद में इनके जो फॉलोवर्स हैं उन्होंने इनका क्या चला दिया, दासी संप्रदाय चला दिया। इस दासी संप्रदाय के अनुसार क्या, अगर भगवान को पाना है तो उनके दास बन जाओ, मतलब अगर भगवान कृष्ण को मनना है तो गोपी बनना पड़ेगा, गोपी बन के उन्हें पा सकते हो। तो आप लोगों ने, होता है ऐसा, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा आईजी पंडा, पुलिस की बहुत बड़ी पोस्ट होती है आईजी, डीजी के पास सबसे बड़ी पोस्ट होती है आईजी की। तो आईजी पंडा था, वो इसी संप्रदाय को मानता था, दासी संप्रदाय को। भगवान कृष्ण को भयंकर भगत था, आईजी होने के बाद सोचो एक आईजी के अंडर में कितने जिले आते हैं। तो वो ऑफिस में आता, पहले तो वर्दी में आता, अंदर घुसता, अपनी वर्दी सब उतार देता, और उसके बाद फिर घाघरा चोली वोली सब पहनता और राधा की तरह तैयार होता, मांग वांग सब भरता और भगवान कृष्ण को की भक्ति करता, सीसी सान बैठे बैठे भजन करता। वो इसी संप्रदाय को मानता था। अब मैं झूठ कौन बोल रहा हूँ, नेट पर सर्च करके देख लेना आईजी पंडा, आपको मिल जाएगा, मेरे थोड़ी भी जिंदे हैं। तो आईजी पंडा ने बात ऐसे वो करते रुका ही नहीं, करते गए को फिर बाद में लोगों को पता चला, तो आईजी पंडा जी तो घाघरा चोली में आप लग गया ऑफिस में ही। बाद में ऑफिस ने उन्हें कई नोटिस दिए गवर्नमेंट ने, भाई ऐसे मत करो, ये उचित नहीं है, आपको जो काम है आप वो काम करो भाई, वर्दी में आओ। तो बाद में बताते हैं इन्होंने कह दी तेरे कुआं पड़ते नौकरी, मेरे को तो भगवान मिलेंगे, मुझे भगवान चाहे जब नौकरी चाहिए नहीं मेरे को। तो बाद में उन्होंने नौकरी से दे दिया, रिजाइन दे दिया। तो ये है दासी संप्रदाय, ठीक है। अगले देखते हैं मलूकदास। जो मलूकदास है ये नैना खातिर भाई है दूसरों, क्योंकि मनी सर मनोज तो कमाऊंगा और यह मजा करो, ये आड़ कैसी है बहुत, क्योंकि उसे कदर मान पुछान रहे तो मना कर दें, इससे कहना जय पुछाना कौन यार मैं कौन माँ दुगड़ में नहीं सीचूँ। तो ये मलूकदास वही है, ठीक है। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था अपने नाम से जिसका नाम है आलसिया संप्रदाय। ये कहते हैं अरे बावड़ाओ चु मेहनत करो चो, सवार उठो रोटा खाओ और फिर सो जाओ, सवार उठो रोटा खाओ और फिर सो जाओ, ये आलसी संप्रदाय चलाया था इन्होंने। ये संप्रदाय से मानते हैं अरे भगवान ने चोंच दी है ना तो चुगो भी देखो, तो ये मेहनत करने की मना करते थे, मेहनत छोड़ो। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ है, कड़ा में है, कड़ा यूपी में। तो कहते थे मेहनत है ना तो कर्म, आपने इनका फेमस दुआ भी सुना होगा कि अजगर करे न चाकनी पंछी करे न काज, और कह गए मलूकदास जी सबके दाता राम। वो इन्होंने ही कहा था कि अजगर करे न चाकड़ी, कि अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता है, चाकड़ी बस एक बकरी पकड़ी खाई आराम, इनको सोचे कायर मलग एक को मले, तो क्यों करे मेहनत, अजगर करे न चाकड़ी पंछी करे न काज, और पंछी भी काम नहीं करता, एक बार पंछी तो आपने देखा है क्या कि कहीं उड़ते उड़ते जा रहे हैं,
और देखा रास्ता में यार अमरूद का बाग है, तो एक खा लिया और 10-20 थैली उठा कर लार ली चला। तो कल की नहीं सोचते हैं, तो वो आलसी संप्रदाय है। अपने भैंस देखिए कभी कई दिन तक भूखी रही, कल की नहीं सोचेगी। गाय कई दिन तक भूखियाँ डोलेंगी, कल की नहीं सोचेंगी कहीं मौका मिल गया धनियड़ी मर गुआ तत्कू तो तब दिन जाएगी, और जितना मौका मिला उतना खाली गए सोच सकें। अरे कल कौन मिला को तो एक गठरी बांधुर माता धर ली चालू कल खाली। तो ये इस संप्रदाय को मानते हैं कि यार छोटो अगर भगवान ने चौंस दे चुका भी देखा नैना काजी को भाई है मलुकदास। ठीक है आगे देखो, अगले आते हैं रामचरण जी और इनका ग्रंथ अर्णवाणी। देखो इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय चलाया था जिसकी प्रधान पीठ शेरपुर में शाहपुर में भीलवाड़ा के अंदर। फूल डोल इनका मेला भरता है जो कि चैत्र शुक्ल प्रथमा से लेकर पंचमी तक भरता है। ठीक प्रथमा से पंचमी तक। आगे देखें कि क्या बात है इनकी जो और पीठ है वो जोधपुर के अंदर जो रामदास जी ने कोई शीतन ध्यान रखने मत रख लेना। ठीक है रेपा है जो वहां है। एक और संप्रदाय जिसका नाम है निमकाचार्य, इन्होंने अपना संप्रदाय जिसका नाम है निर्वाक संप्रदाय। कई नाम इन्होंने और देश का दूसरा नाम भी आ सकता है, हंस आ जाए नारद आ जाए सनका देखा जाए सब इसी के नाम है। और ये संप्रदाय है जो निमकाचार्य है, ये संप्रदाय किसकी पूजा करता है? भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करता है, और राधा को भगवान कृष्ण की प्रेमिका नहीं मानता है बल्कि उसकी पत्नी मानता है, क्योंकि भगवान कृष्ण राधा से लुगाई की तरह प्यार करे वो। तो इसलिए ये संप्रदाय क्या मानता है कि राधा क्या है उनकी युगल सरकारी पूजा करते हैं, पत्नी मानता है। किस कौन सा संप्रदाय है? वो निमकाचार्य संप्रदाय। इसके प्रधान पीठ यूपी के अंदर है और अन्य पीठ इसकी सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। 17वीं शताब्दी में इन्हें परशुराम ने क्या किया था? प्रसिद्ध किया था। अब यह संप्रदाय बहुत फेमस है, वल्लभचार्य संप्रदाय। वे वल्लभचार्य जी ने वल्लभ संप्रदाय बनाया था और इनके एक शिष्य थे विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने इन्हें प्रसिद्ध किया था, इन्हें अष्टछाप भी कहा जाता है क्योंकि उनके 8 शिष्य थे, 8 के 8 खतरनाक थे। ये जो वल्लभचार्य जी हैं ठीक इनकी इतनी बातें कि अष्टछाप कवि थे, और ये श्री और इन्हीं के जो चेले हैं वो श्रीनाथ जी और द्वारिकाधीश की मूर्ति लेकर के भागे थे जब औरंगजेब मूर्तियां तुड़वा रहा था। ठीक बाद में ज्यादा मूर्ति लगवाई थी, वो पूजा वूजा होती वो सब हिस्ट्री क्लास के अंदर बता चुके, यहाँ समय बर्बाद कौन करा क्योंकि मेरे पास टाइम कौन हमारे कहने भलाई हो। आगे देखो सुबह गाय हूँ। आगे देखो हरिदास जी और एक हो जाए हरिया जोगी तो दारू भी तो डोले वो हरिया है, और ये हरिदास जी हैं। ये हरिदास जी शुरू में डाकू थे। क्या थे? डाकू। कोई और इंसान था शुरू में डाकू था? हाँ वाल्मीकि जी भी शुरू में क्या थे? डाकू थे। ये भी क्या थे? शुरू में डाकू थे। इन क्योंकि इनकी जिंदगी में अचानक परिवर्तन हुआ था इसलिए अपनी जिंदगी के नाम पर इन्होंने संप्रदाय चला था कि भाई जिंदगी निराली होती है कभी भी बदल सकती है। ठीक निराला संप्रदाय चलाया था और इसकी जो प्रमुख पीठ है वो डिडवाणा के अंदर है, डिडवाणा नागौर का पड़ो तो ध्यान रख लेना। अब इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है क्या, क्योंकि ये डाकू थे बाद में चेंज हुए तो इन्हें कहा जाता है कलयुग का वाल्मीकि। क्या कहा जाता है? उपनाम सबके ध्यान रखने चाहिए। कलयुग का क्या कहा जाता है? वाल्मीकि। तो राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? राजस्थान का वाल्मीकि कवि माल को कहा जाता है। राजस्थान का वाल्मीकि कवि माल को कहा जाता है और कलयुग का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? हरिदास जी को। आगे संत माओ जी हैं जो सांवला डूंगरपुर और इन्होंने निष्कलंक एक संप्रदाय चलाया था जिसकी प्रधान पीठ शाहपुरा में है, और इन्होंने एक आंदोलन और चलाया था लसोड़िया का, लसोड़िया आंदोलन जो कि अछूतों के लिए चलाया था भाई लोगों भेदभाव मत करो, वो इन्हीं का क्या था? इनकी पुत्रवधू थी मतलब बेटे की वो बहू जो जनक कुमारी उसका क्या था नाम था, उसने इन्हें आगे जाकर के प्रसिद्ध किया था। इनका एक ग्रंथ जिसका नाम है चोपड़ा गुंडोरा है फिल्मों में देखो कभी आपने, तो चोपड़ा ग्रंथ है जिसकी दीपावली के दिन तो क्या होती है पूजा होती है लेकिन उसका जो वाचन होता है वो संक्रांत के दिन होता है, दुनिया पतंग उड़ाते हैं और ये इनका क्या करते हैं चोपड़ा ग्रंथ पढ़ते हैं। आज अपने संत संप्रदाय पूरे हो गए भाई, 4-5 को प्लस हम कितने मेहनत लगे लेकिन पूरे हो गए। कल अपन पढ़ाएंगे क्या गजब एक नंबर खतरनाक कल वाद्य यंत्र पढ़ाएंगे कि पूंगी कहीं आवाज है ढोल कहीं आवाज है, कह रहा आप ना कोई को ढोल बजाए वो जानी चाहिए भाई कैसे बजता है। ठीक है तो मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, माता बहनों भाई बहनों माई बाप सबन को भेजें क्योंकि यहाँ ऐसा कोई सेंसिटिव कंटेंट नहीं है। तब तक के लिए गुड बाय।